अंदर से वो एयर ऐसे फिल कर रहे हैं बॉल में। ये आप देख सकते हैं कि इधर डंकी राइड भी होती है एक और। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज हम जा रहे हैं स्कारब्रो, जो कि 3 घंटे में आ जाता है। हम मैनचेस्टर से स्कारब्रो जा रहे हैं, तो वेदर भी बहुत नाइस है, तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही मैं आपको जहाँ पे अच्छे व्यूज़ नज़र आए मोटरवे पे तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये देखिए, ये M62 है, इधर लीड्स को जाता है ये मोटरवे, और हडर्सफील्ड, हैलिफैक्स, और साथ में ये व्यूज बहुत खूबसूरत है, इधर की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये M62 पे ये ऐसा मोटरवे है कि ये आप देख सकते हैं कि मिडल में से ये जगह है। इधर एक काफ़ी अरसा पहले एक घर था, और उस जो ऑनर था उस घर वाला, उसने कहा था कि मैंने इधर मोटरवे नहीं बनने देनी, तो वो केस जीत गया था, तो उसकी वजह से M62 स्प्लिट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मिडल में जगह है और उधर एक मोटरवे है, और इधर ये यूके में फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसने अपने घर की वजह से मोटरवे M62 को स्प्लिट करवाना पड़ा था, और सारा केस उसके राइड पे गया था ना। तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ। आप देख सकते हैं कि मिडल में मोटरवे की बजाय एक जगह सी है, और उसका घर है ना, आगे आएगा उसका घर। ये देखिए, ये ऊपर नॉर्मली साथ होती है मोटरवे, और ये ऊपर से एक रोड है और एक इधर रोड है, और उसका घर अब आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो एक रोड जा रही है और एक ऐसे सीधी जा रही है, नॉर्मली तो साथ साथ होती है ना मोटरवे। तो अभी उसका घर भी मैं दिखाती हूँ, वो आपको नज़र आ रहा होगा दूर से। वो ये देखिए, ये राइट साइड पे आपने देखना है कि उसका फार्म भी है और चीप्स भी है, और आपको नज़र आ रही होगी। और ये वाइट कलर का राइट साइड पे जा रहा है, इस वजह से उसने मोटरवे को कहा कि मैंने नहीं इधर बनने देनी, ये घर है वाइट कलर का। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत व्यू है, सामने विंडमिल भी आपको लेफ्ट पर नज़र आ रही होगी, और मोटरवे देखें कितना खूबसूरत है, और राइट साइड पर ग्रीनरी है, और बिजी कितना है मोटरवे, कितना नाइस लग रहा है। ये देखिए गाइस, हम अब आप पहुंच आए हैं स्कारब्रो, और बस ये जिधर ब्रिज है उसके सामने ही बीच होगी। ये देख सकते हैं आप, सामने बीच है स्कारब्रो ब्रिज, ऊपर ब्रिज है, ये दिस इज स्कारब्रो, और ऊपर ब्रिज है और सामने बीच है। बहुत ही खूबसूरत है, अभी गाड़ी में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, और बिजी भी बहुत है। अब हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं। चलें ठीक है गाइस, अब हम पार्क करके गाड़ी, फिर मैं आपको सब कुछ व्यू कराती हूँ स्कारब्रो। हमने इधर गाड़ी पार्क की है, काफी जगह होती है गाड़ी पार्क करने की, तो हम इधर उतरे हैं। ये हमारी रेड कार है, और हम अब एक्सप्लोर करने लगे हैं स्कारब्रो को, और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये भी बोट
चली है, तो मैंने कहा कि ये दिखा दूंगा आपको। ये साथ में डबल डेकर बसेस है, इधर ये टूर कराती है ये बसेस। अब उधर सामने आप देख सकते हैं कि किड्स फन फेयर है। ये लूना पार्क है, स्पा ग्राम है, इधर सारे किड्स और बड़ों की राइड्स है। ये देखिए ऊपर जाके अब बसें जा रही है। इधर सारे मोटर बाइक वाले हैं, इधर सारे जो मोटर बाइक पे राइड करते हैं वो उन्होंने अपनी पार्क की हुई। और ये साथ में ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी है, एक पहाड़ सा बना हुआ है, ग्रीनरी है इसके ऊपर, और सामने लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्लेस है। ये देखिए ये सारा सी है स्क्वाड्रा का, हम ऊपर की साइड पे आए हैं। देखिए बहुत बड़ा है, अब हम उस साइड पे जा रहे हैं जिधर बीच है, जिधर बच्चे प्ले करते हैं, और उस साइड पे जा रहे हैं। वो देखिए ये बोट चल रही है समंदर में, बहुत खूबसूरत प्लेस है ये। हम पहले वो नीचे थे ना, अब ऊपर से साइड से इधर से आए। मैंने आपको वो वाली साइड दिखाई थी, अब मैं आपको ये वाली साइड दिखाने लगी। ये सामने शॉप्स भी है रोड क्रॉस करके, फिश एंड चिप्स टेक अवे। बहुत बिजी है आज, क्योंकि ये आज बैंक हॉलीडे है ना, तो और बच्चों का लास्ट वीक चल रहा है हॉलीडेज का स्कूल से। नेक्स्ट वीक बैक टू नॉर्मल स्कूल जाना है इन्होंने। ये भी कैसे हैं इटालियन।
इटालियन कैफे। अब मैं आपको दिखाती हूँ पुलिस टेलीफोन बॉक्स। ये पुलिस वालों का टेलीफोन बॉक्स है। ये साथ ही पुलिस टेलीफोन बॉक्स है। ये इधर साथ ही लेफ्ट में लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इधर सारे उन्होंने कार्ट लगाए हुए हैं, आइसक्रीम वगैरह, फ्राइज। अब हम बीच की साइड पे जा रहे हैं। इधर भी आइसक्रीम है। ये बीच है। कुछ लोग इधर खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अंदर जाके बच्चों के साथ बीच मिट्टी में बच्चे कैसल वगैरह बना रहे हैं। ये देखो, इट्स अ बिग वन। देखिए ये बच्चों ने क्या बना दिए। ये मिट्टी अपने ऊपर डालेंगे। माय गॉड, ये किड्स राइड्स वाली जगह है। इधर सारे किड्स, ये एंट्रेंस है और ये किड्स राइड्स है अंदर। ये देख सकते हैं आप, मेरे बच्चे भी अब कह रहे हैं हमने भी इधर राइड्स लेनी है। ये इधर पानी की राइड है, इधर बच्चे जाते हैं। इधर से हमने टिकट लेनी है ये पे हियर पे, और फिर अंदर बच्चों ने जो सी भी राइड लेनी है, मैं फिर आपको साथ साथ दिखाऊंगी। इधर जब बच्चा अंदर जाता है इस बॉल के अंदर, फिर वो एयर ऐसे फिल कर रहे हैं बॉल में। अब देख सकते हैं अब फिल हो चुकी है, और फिर से बंद कर देंगे। उसके बाद फिर ड्रॉप करेंगे पानी में, पानी के वाटरफॉल में। अभी इसमें और एयर फिल करेंगे। यह अब फुल हो गया है बॉल। अब बच्चे को अंदर इस तरह से वाटरफॉल में फेंक देंगे। ये किड्स ट्रैम्पोलिन में जंप कर रहे हैं।
अब मैं आपको साथ ही में ये बीच का भी व्यू है आपको दिखाती हूँ। देखें अब इधर बैडमिंटन भी खेला जा रहा है। साथ ही ये देखो किड्स राइड्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये देखें रिलैक्स होके। ये जितना मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी राइड्स ले रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो आपको मैं ये बीच वाली साइड दिखा दूँ जितनी दिखा सकती हूँ। कितना प्यारा सीरियल है, जिधर भी बीच होगा या सी साइड होगी ये लाजमी होते हैं सीरियल। ये बच्चे ये देखे बैठे हुए सब फैमिलीज के साथ आए हैं बच्चे सब। और ये भी देखे ये टेंट लाए हुए हैं। सारे आप देख सकते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, देखें ये बहुत बड़ा व्हील है, ये लगता है इस पर बैठे तो सारा आसपास का बंदा देख सकता है ऊपर तक। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा व्हील है। ये मैं बिल्कुल सामने व्हील के आ गई हूँ। ये बच्ची देखें सैंड के साथ खेल रही है। ये आप देख सकते हैं कि इधर डंकी राइड भी होती है, एक हॉर्स राइड होती है और ये डंकी राइड है। वो आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं। ये भी बीच बीच साइड से है। अब इस साइड पे सारी शॉप्स हैं। उधर पहले मैंने आपको दिखाया था ना उधर से ये फ्रंट
और अब मैंने रोड क्रॉस करके अब इधर आई हूँ। ये सारी इधर शॉप्स हैं और प्ले एरिया किड्स का। अच्छी जगह है लेकिन आपको एक दो दिन लगते हैं इसे देखने के लिए। एक दिन में तो ये नहीं देखने लगता पूरा स्क्वायर का। इधर से हैट्स वगैरह मिलती हैं। इधर बंदे सारे बैठ के आइसक्रीम वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये भी लेफ्ट साइड पे कैफे है। वो मैंने पहले आपको उस साइड से दिखाया था ना कि कैफे, और अब मैं साइड में हूँ। Thank you.